नासा ने घोषणा की है कि वह अगले महीने 27 मई 2020 को स्पेस एक्स रॉकेट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। इसमें 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। नासा की ओर से 17 अप्रैल 2020 को यह घोषणा की गई है। यह रॉकेट अमेरिका द्वारा एक दशक में पहली बार भेजा जाने वाले अंतरिक्ष यान होगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के प्रमुख जिम ब्राइडेन स्टाइन ने ट्वीट किया कि 27 मई 2020 को नासा एक बार फिर अमेरिकी धरती से अमेरिकी रॉकेट के जरिए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने मई में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का लक्ष्य बनाया था। कोरोना वायरस महामारी विश्व भर में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बावजूद वह मई में इस अभियान को पूरा करेगा। भारत में कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 20 अप्रैल 2020 को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से अब तक 543 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 17,265 हो गई है। 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बॉब बेकन और डोगलास हर्ले स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से ISS के लिए उड़ान भरेंगे। बेकन को साल 2000 में नासा द्वारा एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुना गया था और वो अब तक 2 अंतरिक्ष उड़ानों पर जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त हर्ले को भी साल 2000 में ही एस्ट्रोनॉट के लिए चुना गया था और वो भी अब तक 2 बार अंतरिक्ष उड़ानें भर चुके हैं। उड़ान भरने का समय, नासा ने बताया कि अंतरिक्ष यात्री 27 मई 2020 को शाम 4:32 अंतर्राष्ट्रीय समयानुसार रात 8:32 पर फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र में ऐतिहासिक लॉन्च पैड 39A से उड़ान भरेंगे। इसी लॉन्च पैड का इस्तेमाल अपोलो और अंतरिक्ष शटल अभियानों के लिए भी किया गया था। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।